होप करता हूँ कि बढ़िया ही होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम लोग जैसे लाइट्रो में प्रीसेट यूज करते हैं और पिक्सार्ट में प्रीसेट यूज करते हैं, वैसे ही हम लोग स्नैपसीड ऐप में प्रीसेट यूज कर सकते हैं। बस मैं जो चीज बताऊँ उस चीज को आप लोग एक एक करके फॉलो कीजिएगा, आप लोग स्नैपसीड में भी प्रीसेट यूज कर सकते हैं। बस इसके लिए दो रिक्वायरमेंट है, बस आपके पास दो मोबाइल फोन होने चाहिए। आजकल के सभी घर में भी दो तीन मोबाइल फोन होते हैं, तो बस आप लोग को दो मोबाइल फोन ले लेने हैं जिसमें आप लोग एडिटिंग करने वाले हैं। एक वो फोन ले लीजिएगा और एक दूसरा फोन ले लीजिएगा, और फिर मैं आगे आप लोगों को बताता हूँ कि कैसे क्या करना है। सबसे पहले आप अपने मोबाइल में स्नैपचैट ऐप को ओपन कर लीजिए और फिर प्लस वाले आइकन पर क्लिक कीजिए, और प्लस वाले आइकन पर क्लिक करने के बाद आपको जिस फोटो पे एडिट करनी है उस फोटो को आप लोग ऐड कर लीजिए। मैं इस फोटो को ऐड कर देता हूँ। फोटो स्नैपसीड में ओपन होने के बाद आप लोग को दूसरा मोबाइल लेना है और उसमें स्नैपसीड QR सर्च कर देना है, और स्नैपसीड QR सर्च करने के बाद आपको व्यू ऑल पर क्लिक कर देना है, और व्यू ऑल पर क्लिक करने के बाद फिर ढेर सारे QRs आ जाएंगे। आप लोग अपने फोटो के हिसाब से इसमें ढूंढ लीजिएगा, जो आपके फोटो को मैच कर जाए वो आप लगा दीजिएगा। मैं आप लोग को एक करके इसमें दिखा देता हूँ। मैंने एक इसमें यूज किया था, वो बहुत अच्छा लगा था, मैं ये वाला यूज करता हूँ। और फिर आपको जिसमें आपने ये स्नैपचैट वाला ऐप है इसके आप इस पे क्लिक करिएगा एरो पर, और फिर यहाँ पे आप लोग को दिखेगा QR लूप पर क्लिक कर दीजिएगा, और फिर स्कैन QR लूप पर क्लिक करने के बाद आपको ये वाला QR स्कैन कर देना है, और स्कैन करने के बाद ये देखिए फोटो एडिट हो गया। आपको आफ्टर एंड बिफोर देगा, ये देखिए आफ्टर एंड बिफोर। अब इस फोटो को मैं हल्का सा क्रॉप कर दूंगा, नीचे से हल्का सा मैं क्रॉप कर देता हूँ, और ये देखिए फोटो आपको कितनी अच्छी लगी, देखिए आफ्टर एंड बिफोर। यही था आप लोग स्नैपचैट में बहुत सारे QR है इसमें आप लोग यूज कर सकते हैं। तो मैं इस फोटो को सेव कर देता हूँ यहाँ पे, और सेव करने के बाद उसको हम लोग ये वाला फोन हटा देंगे, और फिर हम लोग देखिए इसमें बहुत सारे QR है, आपको जो पसंद है वो QR यूज कर सकते हैं। ये देखिए इसमें इतने सारे QR है। बस आज की वीडियो में बस इतना ही था, और आप लोग यूज करिएगा और बताइएगा कैसे ट्रिक लगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और आपका मन करिएगा।